सर्वेभ्यो नमो नमः, अहम अस्मि दीपक कुमार झा। तो साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूह पर। और मैं दीपक यहां पर चर्चा कर रहा हूं कक्षा नवम की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका है उसके प्रथम पाठ पे। हम लोग विगत दो वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इस अध्याय को शुरू करने से पहले। जो हमारा एक YouTube चैनल भी है जो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के नाम से ही है, आप उसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और हमारा यह प्रयास सफल हो। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। तो थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि इस पाठ में हमने पहले क्या पढ़ रखा है। हमने इस पाठ में जाना है कि इस पाठ में कुल 5 श्लोक हैं जो 3 उपनिषद के हैं और 2 गीता के। हमने 4 श्लोकों को पढ़ा है, आज हमारा ये अंतिम श्लोक है। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो श्लोक है वो भी कहां से लिया गया है, गीता से। हमेशा याद रखें कि प्रायः परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर आते हैं कि नमः पुरस्तादच ऐसे करके रिक्त स्थान कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह श्लोक कहाँ का है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, श्लोक अगर पूरा याद न भी हो सके तो कम से कम उसकी पहली पंक्ति अवश्य याद रखें कि यह श्लोक कहाँ का है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम श्लोक को देखते हैं। देखने में ये संस्कृत के वाक्य थोड़े बड़े जरूर लगते हैं, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आसान लगते हैं। आइए आप भी सीख सकते हैं इसे पढ़ना। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। ये गीता का श्लोक है। आइए हम इसका अन्वय कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में एक बात आई होगी कि सर हर बार श्लोक बताने के बाद कहते हैं कि आइए हम इसका अन्वय कर लेते हैं। तो मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर अन्वय क्यों किया जाता है। तो देखिए, ये जो श्लोक है ना, इसे हम पद्य कहते हैं। गद्य अर्थात हो गया कहानी और पद्य अर्थात हो गया श्लोक या कविता हिंदी में कहे तो। अब हम इसका अन्वय क्यों करते हैं। तो हम जब भी कोई भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो वो दो तरह से करते हैं। एक तो हम स्वच्छंद रूप में बोलते हैं, धारा प्रवाह, जिसे गद्य के रूप में कहानी लिखने में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो स्वच्छंद भाषा है। और जो एक दूसरी जो भाषा होती है वो नियंत्रित भाषा होती है। नियंत्रित भाषा का अर्थ है जो छंदबद्ध हो, जिसे हम गा सकें। तो ये श्लोक जो है वो नियंत्रित भाषा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। यदि हम बोलते हैं तू कहां जा रहा है, मैं तुझे यहां वहां ढूंढ रहा हूं, तो ये क्या है, ये स्वच्छंद भाषा है, स्वतः प्रवाहित हो रही है। लेकिन यदि हम इसे नियंत्रित भाषा में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जा रहा है तू कहां, मैं ढूंढता तुझे यहां वहां। तो ये जो भाषा हो गई ये नियंत्रित भाषा हो गई। तो निश्चित ही हम नियंत्रित भाषा से स्वच्छंद भाषा के रूप में जब इसे परिवर्तित करते हैं तो उसे ही हम बोलचाल की भाषा में अन्वय कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं तो हमें अर्थ को समझने में आसानी होगी। नमः पुरस्तात अथ पृष्ठतः ते, कह रहा है कि नमस्कार है, हम तो ईश्वर स्तुति पाठ पढ़ रहे हैं, इस स्तुति ईश्वर प्रार्थना तो स्वतः समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसको नमस्कार करें, तो उस ईश्वर को नमस्कार करें। नमस्कार पुरस्तात, पुरस्तात अर्थात आगे से, आगे अर्थात पूर्व दिशा से, आपको पूर्व दिशा से अथ और पृष्ठतः ते, और आपको कहां से, पीछे से, आपको आगे से और पीछे से नमस्कार है। नमः अस्तु ते सर्वत्र एव सर्व, यहां सर्व जो शब्द है वो सर्वात्मन, उनके लिए प्रयोग किया गया है, ईश्वर के लिए सर्वात्मन शब्द का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि हे सर्वात्मन, आपको सभी ओर से, सर्वत्र अर्थात आपके लिए सर्वत्र, चारों ओर से आपके लिए क्या है, नमस्कार है। नमः नमस्कार है, और साथ ही कह रहा है कि क्यों नमस्कार है, तो आप क्या है, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, वीर का अर्थ होता है सामर्थ्यवान, आप क्या है, तो अनंत सामर्थ्यवान है।
और क्या है अमित विक्रमः, और क्या है अत्यंत पराक्रमी है। विक्रम का अर्थ क्या है पराक्रमी। जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो सामर्थ्यवान हो वो पराक्रमी हो ही, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सामर्थ्यवान होते हुए अस्त्र शस्त्र नहीं उठा पाते, लेकिन ईश्वर एक ऐसे हैं जो सामर्थ्यवान तो है ही और साथ में वो क्या है वो अत्यधिक पराक्रमी भी है। त्वम सर्वम समापनोषी, और कह रहा है कि आप में ही संपूर्ण विश्व जो है सभी लोग जो हैं वो क्या है समाहित हैं। और इसका अंतिम पंक्ति कह रहा है ततः असि सर्वः, इससे आप ही क्या है आप ही सर्वरूप हैं, संपूर्ण सृष्टि आप ही में समाई हुई है, इसलिए आप क्या है आप सर्वरूप हैं। तो ये श्लोक था गीता का, आज हमारा यह अध्याय संपूर्ण हुआ है, अगले अध्याय को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे फेसबुक समूह के साथ जुड़े रहिए, और आपको जैसे मैंने पूर्व में बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और आपसे बस एक ही निवेदन है आप समूह से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों का इससे फायदा हो, क्योंकि ये पुनीत कार्य है और पुनीत कार्य में सभी की सहभागिता आवश्यक होती है, इसलिए आप लोगों से निवेदन आग्रह की से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।